वेलकम बैक टू भोपाल पिजन्स। आज हम मौजूद हैं कर्नल साहब की छत पे, जो कि हिंदुस्तान की क्या दुनिया की मतलब अपन का है मशहूर मारूफ छत है, सब जगह मशहूर है। जो भी यहाँ बैरून मुल्क से आया, जो कबूतर देखे वो उन कबूतरों की तारीफ किए बगैर नहीं गया। जो जो उस्ताद आए उन्होंने देख करके ये कहा कि इन कबूतरों का कोई सानी नहीं है, इन जैसे प्योरिटी में कबूतर नहीं है। आज हम अभी इस वक्त शौक कराएंगे आपको देवबंदियों का, मोतियों वाले जो कहलाते हैं। उस्ताद आपके पास जो है, ये देवबंदी कब से और कहां से? ये मेरा शुरू से बचपन के ये मेरे शौक हैं, हरे कबूतरों का, सफेदों का, कलसरों का और इनका देवबंदियों का। मेरे को तीन चार रंग का ही शौक है। वैसे तो हर रंग में अच्छा कबूतर होता है, लेकिन आप कहाँ तक पालोगे और कितने पालोगे? बेशक बेशक। तो कुछ ही रंगों का मेरे को शौक है जो प्योरिटी में आजकल बचे हुए हैं। अभी आपको ओरिजिनल यहाँ देवबंदी भी देखने को मिलेगा। अभी आपने प्रकाश गुप्ता, उस्ताद प्रकाश गुप्ता की छत पे आपने देवबंदी देखा। अब आपको यहाँ पर, मैंने आपसे आते ही पहले क्वेश्चन था कि लखनऊ में ऐसी ब्रीडिंग नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पर अभी आपने व्हाइट्स देखे और कलसरे देखे और आपने रामपुरी देखे, अब आता है नंबर देवबंदी के, उसके बाद आपको हरे भी दिखाएंगे। ये है देवबंदी कबूतर। देवबंदियों का हमने जहाँ पे भी रिकॉर्ड देखा, बहुत जबरदस्त रिकॉर्ड है पूरे इंडिया में। हम ये देखिए, बहुत लंबे उड़ने वाले कबूतर हैं और सबसे बढ़िया है इन कबूतरों में वापसी बहुत जबरदस्त है। अहमदाबाद में हम सलीम भाई की छत पे थे, वहां पे भी उनके यहाँ शाम तक बैठते हैं ये कबूतर, और वही उन कबूतरों के प्योरेस्ट फॉर्म में। देखिए आप शौक कीजिए, आप देख सकते हैं इनके पर बहुत जबरदस्त है। और ये कबूतर जो है इनकी वहां पे अहमदाबाद के अंदर है तो यही नस्ल के कबूतर। वो कबूतर शाम बैठते हैं, उनका कहना ये है कभी रात नहीं रहता कबूतर, अंधेरा होने से पहले घर आ जाता है। अहमदाबाद में किसके पास आपने देखे थे? सलीम के पास, बहुत जबरदस्त उस्ताद सलीम के पास, बहुत जबरदस्त कबूतर। और उनका मीट का काम है? नहीं नहीं, ये नहीं मालूम मेरे को, मैं तो खाली वहाँ उसमें गया था प्रोग्राम में उनका, तो वो उस बंदे के पास उसने इकट्ठा कर रखे हैं, वो यही कबूतर है, वो इन्हीं को उड़ाता है, वो इन्हीं से जीतता है। कितने साल पहले गए थे आप? अभी गया था इसी साल। ऐसा है कि वहाँ पे देवबंदी कबूतर जो है मेरे ही दिए हुए थे, मेरे दोस्त थे एक शाहनवाज, उनको मैंने ये कबूतर। शाहनवाज भाई जयपुर में है, जोधपुर अहमदाबाद में एक शाहनवाज है, टेलर मास्टर कब का काम। जब मैं, मेरे खुद अहमदाबाद में मेरी पोस्टिंग थी जी जी, तो मैंने उनको दिए थे पर। देखिए ये, देखिए आप ये पर देखिए, ये कत्था पर, वही जो कत्थईपन की बात अपन करते हैं लाल परों की, वो लाल पर इनमें भी मौजूद है। क्यों मौजूद है हमें नहीं मालूम, ये कहां से आए कैसे बने, लेकिन ये उड़ने वाले कबूतरों की निशानी है। आंख का शौक कीजिए आप, बेहतरीन किस्म की नस्ल। छोड़ दीजिए इनमें ये मक्को, ये देखिए मक्को देवबंदी देखिए। अभी आपने सफेद आंख का देखा था, अब मक्को आंख की ये जोड़ा देखिए, ऐसी जोड़ ढूंढने में समय लग जाएगा, नहीं मिल पाएगा। ये देखिए, ये देखिए मक्को है, जिसको मोतियों वाला भी कहते हैं ये लोग, ये वो कबूतर है ओरिजिनल देवबंदी कबूतर। ये देखिए एक उसके, और इन कबूतरों का एक इंसिडेंस मेरे साथ है। मैं बहुत छोटा था उस टाइम में, मेरे पास एक बच्चा आया था इनका, और वो जिसके यहाँ का था वो उसके यहाँ वापस चला गया था बड़ा होकर के। ये जोड़ा देखिए आप, ये आपको जोड़ा ऐसा शौक रहते हैं, ये देवबंदी का जोड़ा। ये देखिए आप, ऐसे जोड़े ढूंढने में रह जाएंगे मगर मिलेंगे नहीं। लखनऊ के कर्नल साहब के यहाँ ही मिलेंगे कबूतर, लेकिन बाद में ये हुआ बहुत अच्छी हल्की सी मोती आंख वाला कबूतर। ये देखिए आपको जोड़ को छोड़ के दिखाएंगे शौक। देखिए ये देखिए बिल्कुल, देखिए ये देखिए इस तरह के जोड़। साइज में भी दिखाएं इनको, ये छोटा साइज में देखिए आप, इसकी आंखों का शौक कीजिए। ये पट उड़ाने के लिए बनाई थी, तो बचपन में ये हल्के से टेढ़े में आ गई थी, तो फिर इसको और ये उड़ाने के लिए साइज देख लीजिए आप। हाँ, उसी हिसाब से बनाई थी। और ये पर देखिए आप इसकी, ये पूरी बात आ गई। बड़े से आप छोटा कर सकते हैं, छोटे से बड़ा नहीं कर सकते, बड़े से छोटा कर सकते हैं आप। ये इन बड़े कबूतरों में से छोटी कबूतरी बनी हुई है। ये देखिए एक जोड़, एक जोड़ ये देखिए ये लालपन आप कह रहे थे, एक जोड़ इसका ये नर, ये लालपन पे भी आपको जोड़ दिखाएं, ये थोड़े गहरे कबूतर हैं उनमें।
और ये कबूतरी की फर देखिए आप ग्रीन में है, लेकिन फिर भी जो है उनसे आप गुजारा कीजिए। और ये देखिए कत्थई पन्न के ऊपर ये इसका नर है, लाजवाब कबूतर है ये। हरे हरे छल्ले वाला दिखाना बड़ा को, ये देखिए थोड़ी दोनों को एक साथ, ये देखिए दोनों को एक साथ छोड़ते हुए एक जोड़ा है ओरिजिनल देवबंदी। एक जोड़ नहीं कम से 20 जोड़ है देवबंदी की कम से कम। दोस्तों उम्मीद है वीडियो देखने में मजा आ रहा होगा, क्योंकि देवबंदी कबूतर ना जवाब होते हैं वो तो सब निकलते हैं गोल्डन में। क्या ये बहुत ही शानदार कबूतर जिसका मैं शौक कराऊं आपको, इस कबूतर का शौक कीजिए। इन गांठों के चक्कर में तो उसको हाथ निकल गया, हाँ निकल गई, गांठों के चक्कर में तो सौयो कबूतर बर्बाद हुए मेरे जुड़े। मैं आपको दबा दूं, ये देखिए आप इस कबूतर का शौक कीजिए। ये सुरंग का कबूतर आपको बहुत ही कम मिलेगा, प्रोटीन ज्यादा जाता है ना, ये देवबंदी कबूतर है। और आप शौक कर लीजिए बिलाल, यहाँ कितनी हवा अच्छी आ रही है। ये कलर देखिए आप इनका शेड, इसी शेड के लिए ये कबूतर मशहूर है। एको वाला तुम कौन सी नस्ल के? मगर एडी हरे हरे, ये मेरा सबसे पुराना कबूतर है, ये इस समय इसकी भी 23-24 साल उम्र हो गई है। ये ज्यादातर इसी के जो है ये ब्लड लाइन जो है भी चली आ रही है जो भी है। आवाज जाएगी लेकिन आज भी अंडे बच्चे करा रहा है ये कबूतर आज भी। देखिए साहब, जब अपन कहें बात होती है कि पुराने कबूतरों की, तो 23 साल तो उस कबूतर की उम्र है, तो यानी इनके पास सर के पास जब से कबूतर है आप उस चीज को समझ सकते हैं, है ना। ये कबूतर कितने पुराने इनके पास होंगे, दो में देखो इनकी कैसी है। बिल्कुल किसी को दिखाते नहीं, ये नस्ल आपको दिखाई जा रही है, ये नस्ल किसी को दिखाई नहीं जाती है। जिन कबूतरों का आपको शौक इसलिए कराया जा रहा है कि ये हिंदुस्तान के अंदर जो है ये कबूतर आज भी मौजूद हैं, असल हालत में ओरिजिनल हालत में मौजूद हैं। इनसे आप जैसे चाहें ऑर्नामेंट्स बना सकते हैं, यानी कि खरा सोना है जो मिलावट करके चाहें वो मिलावट करके बना सकते हैं। इसको अपने उड़ा के ये अपने ही मेरे यहाँ की उड़ी है, 2-3 बार इसमें रंग लगाया, ये 2-3 बार रात रह गई, ये रात रह गई ये कबूतरी, ये देखिए 2-3 दिन रोक के उड़ाते फिर रात रह जाती, तो इसको फिर उतार दिया, इसको नीचे पता लगता था कौन सी वाली है, तो मैंने कहा बंटी जरा रंग लगा पता लगे यार कौन सी है। ये इसका मेल देखिए, ये इसका नर है, इतने कबूतर देखे लेकिन ये कबूतर, ये जोड़ा जो है इस जैसा जोड़ा नहीं है इस वक्त अभी, नर का बेमिसाल नर है, बहुत खूबसूरत प्योर बिल्कुल, उसकी चोंच से लेके आंख कोहे सब देखिए आप, उसके उसका कलर देखिए, सब घर के पट्टे हैं ये सब घर के पट्टे हैं। और ये तीलियों में देखिए आप कालापन, ये यहाँ पे भी, ये देखिए सर कुछ हरे कबूतर भी आपके पास है बहुत शौक के पुराने लाइन के, हरे कबूतर आपके पास पुराने मौजूद हैं वो जी। दोस्तों बने रहिएगा, हरे कबूतरों का शौक और देखने को मिलेगा इसी में आपको, इन्हें सबको बाहर निकाल देते हैं, बाहर निकाल सकते, देखिए पूरे सबको बाहर निकाल दो। तो हाजिर है दोस्तों देवबंदी कबूतर, और अभी आपको हरे कबूतर देखने को भी मिलेंगे पुरानी ब्रीड के, तो उस्ताद कर्नल कमल सिंह सर के कबूतर हैं सारे के सारे। और आपको दोस्तों एक और ख़ास बात बताना चाहूँगा, ये पेयर जो है इनका एक पूरा अलग लॉफ्ट है, रामपुरी कबूतरों का अलग लॉफ्ट है, और हर लॉफ्ट एक अलग उसके नाम से चल रही है पूरी ब्रीड के नाम से, और वहीं पे वो ब्रीड करते हैं और अपनी ओरिजिनलिटी बरकरार रहती है, जिससे क्रॉस ब्रीड नहीं हो पाती। तो ये देखने को मिला यहाँ पे कि हर पेयर का जो है ख़ास ख्याल रखा जा रहा है कि क्रॉस ब्रीड ना हो, तो ये देख सकते हैं। और दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और जल्दी लेके आएंगे एक नया वीडियो हरे शाहजहांपुरी कबूतर आप दोस्तों के लिए कर्नल कमल सिंह सर के। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।